Hey everyone, so today we are going to discuss about audio visual aids. ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ऑडियो विजुअल एड्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप हो सकता है. तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है. इसमें अगर आप मेथड्स ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन करते हो देन ही आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है. मेथड्स ऑफ टीचिंग में इन मेथड्स का यूज़ करके आप टीच कर सकते हो. अब कोई भी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है अगर आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो किसी को भी, या फिर आप टीचिंग कर रहे हो तो इन एड्स के बिना, इन ऑडियो विजुअल एड्स के बिना आप टीचिंग नहीं प्रोवाइड कर पाओगे. तो ऑडियो मतलब होता है प्योरली ऑडिटरी, ठीक है, ऑडियो ऑडिटरी एड्स. विजुअल एड्स का मतलब होता है जिसमें कोई भी ऑडियो का यूज़ नहीं होगा, ओनली विजुअल एड्स हो सकता है वो. और ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कंबाइंड एड्स, ठीक है, कंबाइंड मतलब ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें साउंड का भी यूज़ होगा और कुछ हमें विजिबल भी हो पाएगा. तो प्योरली ऑडिटरी देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऑडियो एड्स. तो टेप रिकॉर्डर का यूज़ करके हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ माइक्रोफोन का यूज़ करके हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ईयरफोन्स, एम्पलीफायर्स, तो इनका यूज़ करके भी हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर हम विजुअल एड्स की बात करें जिसमें हमें ऑडियो साउंड शो नहीं होगी या फिर सुनाई नहीं देगी, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके हम विजुअल एड्स टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. फ्लैनल ग्राफ क्या होता है, अब एक वुडन बोर्ड होता है, फ्लैनल एक क्लोथ होता है, जैसे आप खादी का क्लोथ बोल सकते हो, एक फ्लैनल क्लोथ होता है जिसको इस बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है, इस बोर्ड के ऊपर पेस्ट किया जाता है. ये वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड के ऊपर फ्लैनल क्लोथ लगाया जाएगा, इसे हम बोलेंगे फ्लैनल ग्राफ. अब उसके ऊपर हम कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. ओके, मॉडल्स आपको पता ही है, कार्डबोर्ड या फिर थर्माकोल्स का यूज़ करके हम मॉडल्स बनाते थे पहले भी, तो इसका यूज़ करके भी हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. स्पेसिमेन आपने लैब्स में देखे होंगे, पोस्टर्स चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम स्लाइड्स बनाते हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, PPT, ओके, तो स्लाइड का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स का यूज़ कर सकते हैं. तो अब अगर हम कंबाइंड ऑडियो विजुअल एड्स की बात करें जिसमें साउंड का यूज़ भी होगा प्लस हमें कुछ विजिबल भी होगा, तो उसमें होगा साउंड, फिल्म्स, टेलीविज़न. अब टेलीविज़न जब आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़ ही देख रहे हो तो उसमें आपको पिक्चर्स भी शो होती हैं, साउंड भी आती है, तो ये एक कंबाइंड एड है ऑडियो विजुअल, कंप्यूटर एंड इंटरनेट. तो इन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप इसके अंदर एक टॉपिक और इन्वॉल्व कर सकते हो, मेथड्स फॉर द इफेक्टिव टीचिंग. इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स विच आर कंबाइंड एड्स. ओके, तो आई होप आपका आज का टॉपिक एक शॉर्ट वीडियो क्लियर हो गया होगा. तो अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा, एंड जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा. सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ नर्सिंग इज़ ऑनेस्टी.